फ्रेंड्स, मैं आज आपको समिज की ड्राफ्टिंग एंड कटिंग बताऊंगी, वो भी पेपर पर। तो सबसे पहले हमें पेपर को फोर फोल्ड कर लेना है और उसके बाद हमें समिज की लंबाई लेनी है। समिज की लंबाई हम 22 इंच ले रहे हैं और इसको सीधा कर ले रहे हैं। एक इंच हम इसमें फोल्ड करने के लिए लेंगे, ये हमने एक इंच फोल्ड के लिए ले लिया है। उसके बाद हमें समिज का तीरा ले रहे हैं, 6 इंच हम समिज का तीरा ले रहे हैं और 6 इंच हमें समिज का आर्मोर ले रहे हैं। इस निशान को सीधा कर लेंगे। अब जहां से हमने आर्मोर लिया है वहीं से हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट है हमारी 32 इंच। 32 इंच में हम 32 का 4 फोल्ड आया 8, 8 में हम आधा इंच मार्जिन ऐड करेंगे तो आया 8.5। जितनी भी हमारी चेस्ट होगी हम उसमें आधे इंच की लूजिंग ऐड करेंगे और उसका चौथाई भाग रख लेंगे। अब आर्मोर पे हम 1 इंच की गोलाई देंगे और इस निशान को इस तरीके से गोलाई में मिला देंगे। अब हम गले के लिए निशान लगाएंगे। गला हम 3 इंच का रख रहे हैं। गले की चौड़ाई और गले की लंबाई हम 7 इंच पर रख रहे हैं और इसका एक बॉक्स बना लेते हैं। और गले को राउंड शेप दे देंगे। अब हम चेस्ट से कमर की दूरी लेंगे 6 इंच और 6 इंच की दूरी पे हम कमर का निशान लगाएंगे। कमर है हमारी 28 इंच, 28 का चौथाई हिस्सा होगा 7 इंच। 7 इंच में आधे इंच की लूजिंग ऐड करेंगे 7.5 इंच। इस निशान को भी हम पहले सीधा कर लेते हैं। उसके बाद हम कमर से हिप की दूरी लेंगे 6 इंच की और यहाँ पर हिप का चौथाई हिस्सा रख लेंगे। हिप का चौथा हिस्सा हमारा है 9.1 पर हमारा हिप का चौथा हिस्सा। अब हम इन डॉट को आपस में ज्वाइन कर लेंगे, ये कमर का और ये हिप का। और दामन है हमारा, हम दामन 8 इंच का ले रहे हैं और इसे भी सीधा कर ले रहे हैं। 8 इंच हमारा दामन। और अब हम यहाँ पे 1-1 इंच की सिलाई मार्जिन के लिए कपड़ा लेंगे 1-1 इंच का। और इसे भी इस तरीके से मिला लेंगे। हमारी समिज की ड्राफ्टिंग हो गई है। अब हम आपको बताते हैं कि हमने गला लिया है, गले की चौड़ाई जो ली है हमने 3 इंच ली है और लंबाई जो है हमारी 7 इंच की है। हमारा आर्मोर 6 इंच का है और 1 इंच की हमने आर्मोर में गोलाई दी है। ये हमारा चेस्ट है, चेस्ट हमारा 32 था तो हमने 8 इंच का हमारा चेस्ट है और 7 इंच की हमारी कमर है और हिप है हमारा 8 इंच। हमने इसमें 1-1 इंच का मार्जिन लूजिंग ऐड करी है और हिप से कमर से हिप की दूरी, कमर से हिप की दूरी 6 इंच और चेस्ट से कमर की दूरी 6 इंच है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। Thank you.
गला हमारा बैक और फ्रंट सेम है तो हम उस एक ही साथ कटिंग कर रहे हैं और सेम है। गले की पीछे की लेंथ भी 7 इंच और आगे की भी 7 इंच और हम इसे आधा इंच इसका शोल्डर झुकाएंगे। तो हमारी समेत की ड्राफ्टिंग रेडी हो गई है। थैंक यू।